समाजवादी पार्टी एक बार फिर से चर्चाओं में है। वजह सपा विधायक के राजसी ठाट है, जिसके चक्कर में एक मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक और उनकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। नाबालिग लड़की से जबरन घर का काम कराने और प्रताड़ित करने के आरोप में पुलिस ने सपा विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जिले के श्रम विभाग अधिकारी जेपी सिंह की तहरीर पर FIR लिखी गई है। इससे पहले 17 साल की लड़की से डरा धमका कर बिना वेतन के घर का काम कराने पर श्रम विभाग ने दोनों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। विधायक जाहिद बेग के आवास से मुक्त कराई गई किशोरी सरोई के कैथीपुर की रहने वाली है। पूछताछ के दौरान उसने टीम को बताया कि उसे प्रताड़ित करने के साथ साथ डांट फटकार कर और मारा पीटा भी जाता था। किशोरी ने आरोप लगाया कि भदोही शहर के मर्यादा पट्टी मामदेवपुर काशीराम आवासीय कॉलोनी निवासी एक नौकरानी ने तंग आकर विधायक के आवास पर सुसाइड कर ली। उसका शव विधायक के आवास से संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। श्रम परिवर्तन विभाग द्वारा दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक भदोही विधायक जाहिद बेग के आवास से मुक्त कराई गई नाबालिग नौकरानी ने बताया कि उसे मारा पीटा भी जाता था, काम के बदले में उसे कोई पैसा नहीं दिया जाता था। वही आरोप है कि प्रताड़ना से तंग आकर काशीराम आवासी की रहने वाली मृतक नौकरानी भागने की फिराक में थी। मौत से दो दिन पहले ये बात बरामद लड़की से मृतक नौकरानी ने कही थी। पूछताछ में बरामद नाबालिग लड़की ने कई गंभीर आरोप लगाए। पूछताछ में पता चला कि सपा विधायक जाहिद के यहाँ लड़की और मृतका को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता था। बगैर वेतन एक अन्य नाबालिग लड़की से घरेलू काम कराने के मामले में श्रम परिवर्तन अधिकारी जेपी सिंह की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने सपा विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग पर आधारा 143(4), 143(5) किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 79 और वंदित श्रम पद्धति उन्मूलन अधिनियम 1976 की धारा 4 और 16 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसको लेकर दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक द्विवेदी ने बताया कि धारा 143(4) और 143(5) काफी गंभीर है। इस धारा में आरोपी को 10 साल से आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यान ने बताया कि जिलाधिकारी विशाल सिंह के निर्देश पर गठित टीम ने छापेमारी कर विधायक के आवास से नाबालिग लड़की को बरामद किया था। घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद मामला बढ़ता देख आखिरकार मुकदमा दर्ज हो गया है।